हाँ भाई इधर। भाई वो बाइक की चाबी मिल जाएगी? मेरा दोस्त है ना, उसके बड़े भाई की शादी है, उधर तक जाना है। अब देखे मेरा कद भी लंबा हो गया है, अब तो मैं आराम से किक भी मार लेता हूँ। बस ये पीछे तक जाना है, कुटुल्ला भी नहीं देखेगा। तू क्या एड़ियां उठा के मुंह को आ रहा है? क्या समझ रहा है तू, बहुत बड़ा मर्द बन गया है? भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी तक जाना है भाई। बकवास बंद कर, चल हट यहाँ से। अफाक भाई आप क्यों मार रहे हैं इसे? बाइक की चाबी तो मांग रहे हैं। आ तो। अरे क्या हो गया, किसने मारा है शाबाश को? सबके सामने कितनी इंसल्ट फील करेगा ये। और ये सब मैंने मना नहीं किया था तुम लोगों को, कहीं और जाके ट्यूशन लो, चलो निकलो यहाँ से। अफाक भाई ये क्या कर रहे हैं आप, और तुम लोग क्यों उठ गए? जा बैठ के पढ़ो वहां पे। मामी अगर ये इस तरह करेंगे तो यहाँ कौन आएगा पढ़ने? हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, कोई ना आए यहाँ पर। क्यों ना आए, मेरा रोजगार है, मेरा हुनर है, मैं गुलछर्रे नहीं उड़ाती, मुझे जरूरत है इस आमदनी की। हाँ हाँ मालूम है मुझे, गुलछर्रे यहाँ नहीं उड़ाती तुम, गुलछर्रे उड़ाने के लिए वो लड़का है ना जिसके साथ 8-10 घंटे यूनिवर्सिटी के नाम पर गुजारे जाते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? जी मैं बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए अफाक भाई, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हूँ और वो मेरा क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते हैं। अच्छा क्लास फेलो, क्या कह रहे हो तुम अफाक, मेरी बेटी? बस कर दे पप्पो, मेरी बेटी पढ़ाई क्लासरूम में होती है, ये कैंटीन में, रास्ते में, चाट वाले की दुकान पर, फुटपाथ पर चलते हुए जो सबक पढ़ा जाता है ना, सब जानता हूँ मैं। आपको कैसे पता? उस दिन तो बिरयानी भी एक ही प्लेट से खाई गई थी, है ना? अफाक भाई आप बात करती है। गुलछर्रे उड़ाने के लिए वो लड़का है ना जिसके साथ 8-10 घंटे यूनिवर्सिटी के नाम पर गुजारे जाते हैं। तो तुम्हारा ध्यान आज कहीं और है, घर पे सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारे इन भाई का? अफाक भाई। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी को तलाश कर रही हो, हर आने जाने वाले को बड़े गौर से देख रही हो? नहीं तो उस दिन तो बिरयानी भी एक ही प्लेट से खाई गई थी, है ना?